नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि दशा के फल कैसे मिलते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग दशा का तो इंतजार करते हैं कि ये दशा आएगी तो हमें फल मिलेंगे, या अच्छी दशा आ रही है तो हमें अच्छा फल मिलना चाहिए, अशुभ दशा आ रही है तो हो सकता है कि हम लोग को अशुभ फल मिले। तो दशा के फल कैसे मिलेंगे, ये हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि दो तरह की दशा आप लेके चलिए मेनली, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो इंसान की प्रकृति को चेंज कर देती है। अंतरदशा जो है वो बेसिकली फल हमको देती है। फल उसी के मिलते हैं जिस ग्रह की अंतरदशा होती है। महादशा हमारी प्रकृति को चेंज कर देती है। जैसे शनि की महादशा हो तो हमारी प्रकृति उस तरह से बन जाती है। अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो हम कर्मठ बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, हर जगह काम करने से हिचकिचाते नहीं है। सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा है तो हम बड़े अनुशासित बन जाते हैं, उस दौरान यश मिलता है हमको। तो हमारी बृहस्पति अच्छा है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रकृति को हमारी वो चेंज करती है। और यदि इसके शनि गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है हम आलसी हो जाएंगे, हमारी प्रकृति आलसी हो जाएगी, थोड़ा बहुत बीमारियां लगी रहेंगी क्योंकि शनि के स्वतंत्र कारकत्व है। तो ये सब चीजें शनि की दशा में होती रहती है। तो ये सब महादशा का फल। लेकिन जो रियल फल मिलता है वो अंतरदशा का मिलता है। अब वो फल कैसे मिलता है वो मैं आपको इस चैप्टर में बताना चाहूंगा, जो ऋषि पाराशर ने कहा है उसके विषय में ही। तो उसमें वो कहते हैं कि जब किसी भाव का स्वामी बलवान होता है, जब किसी भाव का स्वामी बलवान होगा तो अच्छे फल मिलेंगे। भावेश्वरेन प्रबलेन येन यद्यत् फलम हीन बलेन येन। यानी जब किसी भाव का स्वामी प्रबल अर्थात बलवान होता है तब क्या फल होता है, और जब वह भाव का स्वामी निर्बल और बलहीन होता है तब क्या फल होता है, और वो किस समय मिलेगा, इसी चीज के बारे में आगे वर्णन किया गया है। इसी चीज के बारे में वर्णन किया गया है किसी किसी भाव का स्वामी अगर प्रबल हो तो क्या फल मिलेगा, किसी भाव का स्वामी निर्बल हो तो क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा। यही वर्णन आगे श्लोकों में किया है ऋषि पाराशर ने। कहते हैं, लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वम सुख स्थितिदम देह बलम सुवर्च्य। लग्ने बलिष्ठे यानी यदि लग्न बलवान हो। लग्न बलवान कैसे होगा, आप बलवान की सबसे बड़ी डेफिनेशन आ जाती है कि बलवान कैसे हो। बलवान ऐसे हो कि शुभ ग्रह बैठा हो, कोई उच्च ग्रह बैठा हो, वहां पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि वहां पे ना हो, शुभ लग्न शुभ कत्री में हो, तो कहते हैं कि वो लग्न बलवान हो जाए। तो हमें यही चीज देखनी है बलवान होने के लिए कि शुभ ग्रहों का इफेक्ट उसके ऊपर होना चाहिए, शुभ कत्री में होना चाहिए। यही चीजें हमें बलवान के लिए देखनी है। तो अगर लगन बलवान हो तो लग्नेश की दशा में, अगर हमारा लगन भाव जो पहला भाव है वो बलवान है तो लग्नेश की दशा में क्या होगा, जातक का प्रभुत्व जगत में पड़ता है। क्योंकि पहला भाव क्या दिखाता है, जातक का प्रभुत्व दिखाता है, उसका यश दिखाता है, तो जातक का यश बढ़ता है। जातक का स्वास्थ्य दिखाता है, तो जातक सुख पूर्वक रहता है, जातक निरोगी रहता है, उसका शरीर बलवान रहता है, चेहरे पे कांति रहती है। मतलब चेहरे पे भी कांति ऐसी रहती है जिस चंद्रमा पे कांति होती है, इस तरह की कांति चेहरे पे रहती है। अगर हमारा लग्नेश बलवान है या लग्न हमारा बलवान है तो जब भी उसकी अंतरदशा आएगी तो जातक का प्रभुत्व जगत में बढ़ेगा, उसका यश फैलेगा, वो सुख पूर्वक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, बलवान रहेगा, उसे रोग वगैरह नहीं होंगे, उसके चेहरे पे कांति रहेगी और एक हमेशा एक अच्छाई, जिसे कहते हैं कि एक अच्छा ऑरा उसके चेहरे पे बना रहे। कहते हैं द्वितीयेश बलवान अगर हो, अगर आप सेकंड भाव पे आ गए, फर्स्ट भाव का तो हमने देखा कि फर्स्ट भाव का स्वामी बलवान है, शुभ ग्रहों के बीच में है, फर्स्ट भाव को चेक कर लिया हमने, लगन को चेक कर लिया कि शुभ ग्रहों के बीच में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे, कोई उच्च ग्रह बैठा है, शुभ भाव कतरी में है, वो सब चीज देख ली। और हमने देखा कि लगन तो हमारा मजबूत है, लग्नेश भी हमारा केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया है तो लग्नेश भी हमारा मजबूत है। तो हमने कह दिया कि साहब लग्नेश की दशा होगी तो ऐसे ऐसे अच्छे फल मिलेंगे प्रथम भाव के। अब द्वितीय भाव पे आ जाते हैं हम लोग। अगर द्वितीय भाव का स्वामी मजबूत हो, बलवान हो, कैसे बलवान हो, वही उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया हो, द्वितीय भाव पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, द्वितीय भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, द्वितीय भाव शुभ कत्री में हो, द्वितीय भाव का स्वामी शुभ कत्री में हो, द्वितीय भाव का कारक जो होता है गुरु वो भी अच्छा वेल प्लेस्ड हो, तो द्वितीय भाव अगर बलवान हो गया तो उस केस में क्या होगा, तो जितने भी द्वितीय भाव के फल हैं वो हमें बहुत अच्छे रूप से मिलेंगे। द्वितीय भाव के फल क्या होते हैं, परिवार कुटुंब का फल, कुटुंब बोलते हैं, पाके अर्थ नाथस्य कुटुंब सिद्धिम
सत्पुत्री काप्यम सुख भोजनम च, भोजन का भी भाव होता है दूसरा वाला, तो अच्छी तरह से भोजन मिलता है, बढ़िया भोजन मिलता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट कही है कि कुटुंब शुद्धिम तो होती है कि भाई परिवार में संबंध तो बहुत अच्छे बढ़ते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन सत्पुत्री का प्राप्ति, ये कहते हैं कि पुत्रियों की प्राप्ति भी होती है और वो उत्तम पुत्रियों की प्राप्ति होती है। देखिए शास्त्रों में ये श्लोक जब लिखे गए होंगे तो ये कितने प्राचीन जमाने में लिखे गए होंगे, तो जो हम लोग कहते हैं कि बेटियां और बेटे बराबर हैं आज बोलते हैं हम इस चीज को, ये अब से नहीं, ये शास्त्रों में वर्णित है। और वो कहते हैं कि द्वितीय की दशा हो तो उत्तम बेटियां प्राप्त होती हैं इंसान को, तो कितनी बड़ी चीज है इसके अंदर कि द्वितीय अगर बलशाली है और द्वितीय की दशा है तो उत्तम बेटियां प्राप्त होती हैं, कुटुंब में वृद्धि होती है, सुखपूर्वक भोजन मिलता है, वाक शक्ति उस आदमी की बहुत अच्छी रहती है, वाक शक्ति मीन्स उसकी वाणी बहुत अच्छी रहती है, वाणी ऐसी होती है कि वाणी के बेस पे ही वो सब कुछ अर्न कर सकता है, कहीं भी जिससे जैसा बोलेगा वो लोग उससे बहुत एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे उसकी वाणी सुनने के बाद, तो उसको सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये सब चीजें सेकंड भाव का स्वामी बलवान हो या सेकंड भाव बलवान हो तो उनकी अंतरदशा में ये सब मिलता है। मान लिया थर्ड भाव के स्वामी की अंतरदशा है और थर्ड भाव भी हमारा बलवान है, थर्ड भाव का स्वामी भी हमारा केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है, तो उसका कारक भी हमारा वेल प्लेस्ड है, थर्ड भाव का कारक हमारा मंगल होता है वो वेल प्लेस्ड है, तो क्या होगा, तो थर्ड भाव से संबंधित जितने रिजल्ट हमारे हैं वो सब रिजल्ट हमें बढ़िया होके मिलेंगे, अच्छे होके मिलेंगे। इसके विपरीत अगर वो वेल प्लेस नहीं होगा, छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा होगा, पाप पत्नी पर होगा, पाप ग्रहों से त्रस्त होगा, तो उसके फल हमारे गड़बड़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो हम अच्छे फलों की बात कर रहे हैं, आगे कैसे फल मिलेंगे वो हम आगे बताएंगे जब निर्बल होगा, तो यहाँ अच्छे फलों की बात कर रहे हैं तो शायद तो हम लोग अच्छे फलों पे स्टिक करते हैं इस चीज को। शौर्य सवीर्य सहजानुकूल्यम संतोष वार्ता षडम च शौर्यम, ये कहता है कि ये शौर्य का भाव होता है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, खेलकूद का भाव होता है, सहोदर का भाव होता है, सहज सहजानुकूल्यम, सहज मीन्स छोटे हमारे जो सहोदर हैं वो उनका भाव होता है। तो ये कहते हैं कि अगर तीसरा भाव बलवान हो, तीसरे भाव का स्वामी बलवान हो, तीसरे भाव का कारक बलवान हो, तो थर्ड भाव के स्वामी की दशा में, तृतीय की दशा में भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा, खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी, आपका पराक्रम में पराक्रम बढ़ेगा, खेलकूद में अगर आप रहते हैं तो आप खेलकूद में आपको विजय मिलेगी, आप किसी समुदाय के या किसी भी चीज के नेता बन जाएंगे, मतलब आपकी आप लेकिन लीडर की तरह काम करेंगे, जहां भी होगा अन्य लोग आपको सहायता करेंगे। तो जो भी थर्ड भाव से संबंधित फल हैं वो फल आपको सारे अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको जो अपने घर में आपके अंडर में काम करते हैं उनसे बहुत सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, आपको जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनसे बहुत अच्छा सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, तो थर्ड भाव के सारे फल आपको बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे अगर थर्ड भाव का स्वामी बलवान। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव पे आते हैं, वो कहते हैं बंधु पुकारम कृषि कर्म सिद्धिम स्त्री संगम वाहन लाभ भेटी क्षेत्रम ग्रहम नूतन मत सिद्धिम स्थान प्रशस्त चे सुखेश दाए, बंधु पुकारम कृषि कर्म सिद्धिम। देखिए चौथे भाव से पहले कृषि कर्म देखा जाता था, एग्रीकल्चर भी चौथे भाव से देखी जाती थी, भवन वाहन ये सब चौथे भाव से देखा जाता था, स्त्री का संग भी चौथे भाव से देखा जाता, ये देखा जाता है, सॉरी मैं ये गलत बोल रहा हूँ, कि कृषि का काम भी, स्त्री का संग भी, वाहन भी, लाभ भी, मतलब वाहन आदि का लाभ जो होता है, मकान है, ये सारी चीजें जो है चौथे भाव से देखी जाती है, मन का सुख है, माता है, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी अगर बलवान होगा, चौथे भाव बलवान होगा, चौथे भाव का कारक बलवान होगा, तो जाहिर है कि ऐसे चतुर्थेश की दशा में हम लोगों को चौथे भाव के फल अच्छे मिलेंगे, यानी जातक जो है बंधुओं को उपकार करेगा, खेती का काम अगर हमारे यहाँ होता है, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास है तो उस पर बहुत सफलता मिलेगी, मकान हम लोग अच्छा मकान खरीदेंगे, अच्छा वाहन खरीदेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मकान और वाहन की सिद्धि प्राप्त होगी, अगर किसी नौकरी में है तो प्रमोशन भी मिलेगा, तो ये सब चीजें चौथे भाव के स्वामी की अंतरदशा में प्राप्त होगी अगर चौथे भाव का स्वामी आपका बलवान है, चौथे भाव का कारक आपका बलवान है और चौथा भाव आपका बलवान, भाव भावेश कारक तीन चीज होती हैं, क्योंकि जो मेन चीज होती है वो होता है भाव बल। अब भाव बल जब हम बोलते हैं कि भाव बलवान है तो इट डजंट मीन कि खाली भाव बलवान है, भाव बलवान का मतलब होता है कि भावेश बलवान है, कारक बलवान है और भाव पे भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, भाव पे भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो टोटल मिला के हम कहते हैं कि ये भाव बलवान है।
किसके बाद आते हैं? वो कहते हैं पुत्र प्राप्तिम बंधु विलासम नपति नाम। ये कहते हैं कि पांचवा भाव अगर बलवान हो, अगर पांचवा भाव बलवान हो, हमारा वही भाव बल में भाव भावेश और कारक तीनों चीज आ गई, तो पांचवा भाव अगर हमारा बलवान है तो उसकी महादशा में पुत्र प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति होती है। नृप तीनाम, नृप बोलते हैं राजा को, राजा की कृपा प्राप्त होती है। यानी अगर आप कहीं सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हैं, राजा तो पुराने जमाने में होते थे, आज की डेट में तो आप कहीं सर्विस करते हैं तो कंपनी का सीईओ है या कंपनी का जो भी चेयरमैन है या कंपनी के जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो आपको एक एक आइडेंटिटी देते हैं, एक इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको मान देते हैं। अगर आपका पांचवा भाव बलवान है तो पांचवे भाव से आप शेयरिंग, शेयर ट्रेड वगैरह काम भी कर सकते हैं, लॉटरी का काम भी कर सकते हैं, जिससे काम भी कर सकते हैं, तो शेयर के अंदर भी आपको सफलता मिलती है। वो भी जो भी पांचवे भाव से होता है, पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, विवेक का भी होता है, उससे आपकी बुद्धि इंक्रीज होती है, आपका विवेक बढ़ता है। तो जो भी पांचवे भाव से चीजें देखी जाती हैं वो पंचमेश की दशा में बहुत अच्छी मिलती हैं, अगर पंचमेश यानी कि पंचम भाव बलवान हो। पंचम भाव बलवान हो मतलब पंचमेश, पंचम का कारक और पंचम भाव, तीनों चीज मिला के पंचम भाव बलवान हो तो ये सब चीजों की प्राप्ति होती है। कुंडली में छठा भाव पे आते हैं। छठा भाव हम जानते हैं कि वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है। तो कहते हैं रिपुर्ण हंति साहसे रशीश्वरी से वत्सरे। वो कहते हैं यदि सस्तेस बलवान, छठा भाव अगर बलवान, यानी छठे भाव का भावेश भी बलवान हो, भाव भी बलवान हो, कारक भी बलवान हो, तो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, आप निरोगी रहते हैं। आपने अगर ऋण लिया हुआ है तो ऋण को उतारने की क्षमता आपको मिलती है, आप ऋण ही लेते हैं, अगर ले भी लिया है तो आप ऋण जल्दी अपना उतार लेंगे, आप शक्तिशाली होंगे, आप कोई भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे तो कॉम्पिटिशन के अंदर सक्सेसफुल होंगे, आप ऐश्वर्य भोगेंगे। तो ये छठे भाव का फल होता है कि अगर छठा भाव का स्वामी इस तरीके से पलवान है या छठा भाव आपका पलवान है। तो इसी प्रकार सातवां, सातवां भाव हमारा आता है, उसके कहते हैं कि संपाद्य वस्त्राभरणीनानि शय्याम ऋतो रमण्याम रमते रवीर। ये क्या बोलते हैं? वो कहते हैं सप्तमेश अगर बलवान या सप्तम भाव अगर बलवान, अगर सप्तमेश लिखा हुआ है इन्होंने तो ये आप सही समझिए सप्तम बलवान, सप्तम बलवान हो मीन्स के सप्तमेश बलवान हो, कारक बलवान हो और सप्तम भाव पे भी अच्छी दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो आदमी क्या करे, सप्तम भाव से जो चीजें देखते हैं वैवाहिक जीवन उसका बहुत अच्छा रहेगा, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा, तो सातवां भाव बिजनेस का भाव भी होता है, विदेश यात्रा करेगा, सफल विदेश यात्रा करेगा, सातवां भाव विदेश यात्रा का भी होता है, तो जिस देश से यात्रा करेगा वो सफल होगी, स्त्री सुख मिलेगा उसको। तो ये जितने भी सप्तम भाव के चीजें हैं वो सारी शुभ रूप से प्राप्त होगी अगर सप्तम भाव आपका बलवान है, उसका भाव भावेश और कारक तीनों बलवान है, तो आपको उसकी दशा में, सप्तमेश की दशा में ये सब चीजें प्राप्त होंगी। अष्टमेश पे आ जाइए, अगर आपका अष्टमेश बलवान है, अष्टम भाव क्या होता है आपका, कष्ट, मृत्युकारी कष्ट होता है, आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, कष्टों का भाव होता है, दीर्घ बीमारी का भाव होता है, कलह का भाव होता है, पीड़ा का भाव होता है। तो ये कहते हैं ऋण विमोचन मृच्छतिमासन, अच्छा ये ऋण का भी भाव होता है, यदि अष्टमेश बलवान हो तो आदमी अपना सारा ऋण चुका दे, कोई दीर्घ रोग हो तो उसमें उसकी उसका अंत हो, आपकी कलह चली आ रही हो घर के अंदर, या आपकी कलह चली आ रही हो आपके समाज में, या आपकी कलह चले आ रही हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी, तो वो भी समाप्त हो जाए अगर अष्टम भाव का स्वामी बलवान है, अष्टमेश आपका बलवान है और उसकी दशा आ गई, तो ये मत घबराइए कि छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी की दशा आ रही है, अगर बलवान है तो आपको उस भाव के अच्छे फल मिलेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहेंगे, आप अकल्ट साइंस सीखना चाहेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, आप रिसर्च के अंदर कोई चीज करना चाहते हैं क्योंकि आठवां भाव आपका रिसर्च का भाव भी है, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी, तो इस तरह की चीजों में आपको बहुत सफलता मिलेगी अगर आपका अष्टम भाव का स्वामी बलवान है या अष्टमेश आपका बलवान है। नवा भाव जो होता है आपका, वो आपके जानते हैं भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, इन चीजों का भाव जो होता है, तो नवे भाव का स्वामी अगर बलवान है तो आपको भाग्य की वृद्धि होगी, आपके ऐश्वर्य भोगेंगे, आप धर्म के रास्ते पे आप चलेंगे, आप लोगों से सम्मानित होंगे, आप लोगों को सम्मानित भी करेंगे और आपके भाग्य उदय होगा,
कोई भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये सब चीजें नवे भाव के बलवान होने से होती हैं। जो भी नवे भाव से हम चीजें देखते हैं वो सब चीजें हमारी विदेश यात्रा हमारी होंगी, कंसल्टेंसी जॉब हम कर सकते हैं उसमें हमें बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि नवे भाव से कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स भी देखते हैं हम लोग, तो ऐसे असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। पीएचडी करना, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए सफलता मिलेगी, क्योंकि डॉक्टरेट करना जो है वो नवे भाव से देखा जाता है। तो इस तरीके से जो भी नवे भाव से संबंधित चीजें हैं, अगर नवा भाव का स्वामी बलवान है, नवमेश बलवान है, तो उसकी अंतरदशा में मिलती है। इसी प्रकार अगर दशमेश बलवान है, दशमेश किस भाव, दशम भाव किस चीज का होता है, यत कार्य मारब्ध, यानी दशम भाव जो होता है वो आपका कर्म का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है। तो दशम भाव अगर बलवान हो, दशमेश भी बलवान हो, तो उसकी दशा में जिस कार्य को मनुष्य आरंभ करेगा उस कार्य में सफलता 100% निश्चित। जातक की मान वृद्धि होती है, उसकी प्रोफेशन में बहुत इज्जत होती है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसकी पद वृद्धि होती है, वह उत्तम कार्यों में लगा रहता है। अगर दसवां भाव बलवान हो और दसवें भाव का स्वामी बलवान हो, उसका कारक बलवान हो और उसकी अंतरदशा आ जाए। ग्यारहवां भाव, ग्यारहवां भाव हम जानते हैं लाभ का भाव है, आय का भाव है। ग्यारहवां भाव हमारा बड़े भाई का भाव है, तो ये सब पुत्रवधू का भाव है। जितने भी ग्यारहवें भाव से हम लोग चीजें देखते हैं, अगर ग्यारहवां भाव बलवान हमारा है, ग्यारहवें भाव शुभ कदरी में है, ग्यारहवें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ग्रह भाव में पाप ग्रह नहीं बैठा है, कोई कुछ का ग्रह बैठा है, और ग्यारहवें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में है, ग्यारहवें भाव का कारक भी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा कि आपकी आप निरंतर लाभ आपको होता रहेगा। आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपको निरंतर लाभ मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको निरंतर लाभ मिलेगा। आपके बंधुओं से, जो प्रिय बंधु हैं, उनसे समागम होगा, नौकरों की संख्या बढ़ेगी, नौकर भी ये दिखाता है भाव, और सांसारिक सौभाग्य में आपकी बहुत वृद्धि होगी अगर आपका ग्यारहवां भाव बलवान है। कुंडली के टोटल 12 भाव होते हैं। अब हम आते हैं 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव हमारा व्यय का भाव होता है, जानते हैं हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स का भाव होता है 12वां भाव। तो 12वां भाव अगर बलवान, 12वें भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 12वां भाव शुभ कदरी में हो, 12वें भाव पे शुभ ग्रह बैठे हों, 12वें भाव को शुभ ग्रह देखते हों, 12वें भाव का स्वामी लगन में केंद्र में त्रिकोण में या लाभ भाव में बैठा हो, ऐसे ही कारक भी उसका केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसे में क्या जातक व्यय तो करेगा, एक्सपेंडिचर तो करेगा, क्योंकि 12वां भाव है, व्यय है, तो व्यय तो करना ही, लेकिन सदमार्ग पे व्यय करेगा, अच्छे मार्ग पे व्यय करेगा, धर्म के रास्ते पे व्यय करेगा, अच्छे लोगों पे व्यय करेगा, अच्छे कार्यों में खर्चा करेगा, अननेसेसरी कार्यों में खर्चा नहीं करेगा, अशुभ कार्यों में नहीं करेगा। उसको राजा से सम्मान प्राप्त होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सम्मान मिलेगा, अपनी जहां भी वो नौकरी करता है उसको वहां से आइडेंटिटी मिलेगी, शुभ कर्म करेगा और उसके पाप कर्म जो है, उसके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं जब 12वें भाव के स्वामी की दशा आती है और 12वें भाव का स्वामी बलवान। तो ये था कि जब अंतरदशा आ रही है किसी भाव ग्रह की तो कैसे फल आपको मिलेंगे, और अगर वो बलवान है तो कैसे फल मिलेंगे, उसके बारे में, 12 भावों के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये बलवान ना हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, निर्बल हो, बलहीन हो, पाप ग्रहों के बीच में बैठे हों, इनके भाव, भावेश और कारक, तो क्या फल मिलते हैं। धन्यवाद। हम लोग अपना एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिसमस से, 26-25 दिसंबर से, जो लोग इंटरेस्टेड हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वो सीखने के लिए अपना नाम दिए गए नंबर पे सब दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।